आइए हम देखते हैं पेपॉइंट से मनी ट्रांसफ़र कैसे करें। हमें मनी ट्रांसफ़र करने के लिए ओ टू लिमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद APS लेज़र ओ टू पर क्लिक करके 510 रुपये ऐड कर लेते हैं। हमें 1000 ट्रांसफ़र करने हैं, बैलेंस हमारा कम है इसलिए 510 रुपये ऐड कर लेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर हम बैक चले जाएंगे और रिफ्रेश पर क्लिक कर देंगे। 1333 रुपये हो गया और अब मनी ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे। कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के बाद उसका नाम डालेंगे, नाम फिल करेंगे, फर्स्ट नेम, उसके बाद सेकंड नेम डालेंगे और जो एड्रेस लिखा रहा है उसमें अपने एरिया का नाम डाल देंगे, एड्रेस की जगह। पिन कोड एरिया का पड़ा हुआ ही है पहले से, चूज सिटी पे करेंगे अपना ज़िला और रजिस्टर्ड पे ओके कर देंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड कस्टमर के नंबर पर जाएगा, वो इसमें फिल करना होगा। कस्टमर के नंबर पर OTP डालने के बाद वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद यस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर कस्टमर का नाम, फुल नाम डालेंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के बाद बैंक सेलेक्ट कर लेंगे कौन सी है, मेरी पंजाब नेशनल बैंक है, उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ सर्च कर कर। उसके बाद अकाउंट नंबर फिल करेंगे। कस्टमर का अकाउंट नंबर फिल करने के बाद हम रजिस्टर पर ओके कर देंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर कस्टमर का नाम आ जाएगा और यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करने के बाद इंटर अमाउंट पर जितने हमें डालने हैं 1000 रुपये, फिर नीचे भी वही 1000 रुपये फिल करेंगे और सेंड मनी पर क्लिक कर देंगे। ये हो गया मनी ट्रांसफ़र, यानी कस्टमर के खाते में 1000 रुपये पहुँच गए। यहाँ उसकी PDF आ जाएगी, चाहे तो प्रिंट निकाल के देते हैं, चाहे PDF फ़ोन में सेव कर लें, या फिर PDF व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, या फिर उसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।